तुम्हारा फोन है। कौन है? बतिया लो, बतियाओ जब तक हम नहा के आते। हाँ हेलो। फोन पर हेलो कहने में इतना वक्त लग रहा है, फिर शादी के लिए हाँ कहने में कितना वक्त लगेगा? तुम हो? क्यों, किसी और के फोन का भी इंतजार होता है क्या? बुआ बताई थी। क्या क्या बताया? ये बताई थी कि तुम बहुत घबराई हुई। महाराजगंज वापस कब आई? 2 दिन पहले आए हैं और हमेशा के लिए आए हैं, इसीलिए पीसीओ से फोन कर रहे हैं। घर पर फोन भी नहीं लगाया अभी, टाउन स्कूल में टीचर बनकर आए हैं। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। सिर्फ फोन पर कांग्रेचुलेशन कहने से नहीं चलेगा, सामने आकर विश करना होगा और वो भी अभी। अरे जया, लेकिन अभी अभी बहुत काम है। दोबारा अगर लेकिन अभी कहा ना तो सीधे घर आ जाऊंगी मैं। 2 दिन से तुमसे मिलने के लिए परेशान हूँ और आज जब फोन पर मिले हो तो लेकिन किंतु परंतु कर रहे हो। देखो, मुझे तुमसे अभी मिलना है बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, बाय। अरे भैया जी, कहीं जा रहे हैं आप अकेले? हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, यहीं रहा, भाभी तुम्हारे साथ जाने का जरूरत नहीं। चल अंदर देख, वॉक हो रही है। बाबा, विजय भैया घर से अकेले बाहर गए, हम बोले कि हमको भी साथ लेके चलिए, हमको साथ लेके नहीं गए। क्या कर रही है? तो देख लेना। अरे इतने दिनों बाद मिले विजय, लेट मी हग यू। अरे 6 महीना दिल्ली में कहाँ रह ली, भी भूल गई कि महाराजगंज है, दिल्ली नहीं। दिल्ली में कहाँ कोई मिला गले लगाने के लिए, और आज तुम मिले हो तो भी महाराजगंज में। What a beautiful place. बहुत अंग्रेजी झाड़ने लगी हो। टाउन स्कूल में टीचर बनकर आए हैं, कोई आम लड़की थोड़ी है हम। तुम्हारी बुआ जी हम जैसी बहू को पाकर बहुत खुश हो जाएंगी। तो कहो, कब का मुहूर्त निकलवा रहे हो? हम कुछ और बात करें जया। कुछ और क्यों, शादी की बात कर रहे हैं, साथ में भगाने की तो नहीं कर रहे हैं ना? हमको मालूम था तुम अपनी शादी के बाद अपने घर वालों से नहीं करोगे, इसीलिए हमने सोच लिया है कि हम सीधे बुआ जी से ही जाकर बात करेंगे। क्या हुआ, डर गए? विजय कांत किसी से नहीं डरता, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। डर तुम जाओगी जब तुमको हमारा असलियत मालूम पड़ेगा। अब असलियत क्या जानना है, प्यार करते हम तुमसे विजय। तो ठीक है जया, पर अब हम वो विजय कांत नहीं रहे जिसको तुम जानती थी।
अब हम ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, क्या है ये सब? जो तुम हमारे लिए कल थे वही आज भी हो। वो ठीक है जया, पर बात समझने को क्या अंतर आ गया? गन तो तुम अपने पास पहले भी रखते ही थे, अब शायद इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, यही अंतर आ गया ना? इसका मतलब तुमको सब कुछ मालूम है? जो बात पूरा महाराजगंज जानता है वो क्या हमसे छुपेगा? फिर भी हमसे शादी करने का इरादा है? शादी तो हमको अपने विजय से करनी है, कोई बाहुबली से नहीं। पर जया, कहलाएंगे तो हम बाहुबली ही। दुनिया चाहे तुमको कुछ भी बुलाए, हम तो तुम्हें अपना विजय ही बुलाएंगे। तो शादी पक्की समझू? उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। अरे तुम हाँ कर दिए हो, अब तो हम जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अरे अरे, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो यार, कोई देख लेगा। बाहुबलियों का डरते हो? एकदम बेशर्म होके आई हो दिल्ली से। दिन रात किसी न किसी चिंता में डूबी रहती है। कहां से तबीयत आपकी ठीक होगी माँ? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे तुम्हार ससुर तो हमरा खातिर खाली चिंते छोड़ गए बाड़े, तो हम का करें? हमें आप कुछ बताती भी तो नहीं है, दिन भर अपने आप में ही घुटती रहती है। अच्छा है मेघ आ रही है, हमारी बात तो आप मानते नहीं, कम से कम अपनी बेटी की तो मानेंगे। हम बेटी और पुतों में कोनो फर्क ना करी दुली, हमरा ले जैसे मेघा बारी उसने तू बारी। तो बताइए ना माँ, आपको क्या परेशानी है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। दुल्हन, श्रीकांत के दादी के नाम पे एगो कन्या विद्यालय बा, राम दुलारी कन्या विद्यालय। जब तक तोहार ददिया ससुर जिंदा रहस उहे देखभाल करत रहस उस कन्या विद्यालय के, बाद में तोहार ससुर भी कोनो कमी ना होके दलन स्कूल के। बाकी जब से विजय घर के काम धाम संभालन उनका ध्यान नहीं है स्कूल पर, सुननी हो कि स्कूल बंद होके के कगार पे आ गई बा। ये बात तो ठीक नहीं माँ, उस स्कूल से इस घर की इज्जत जुड़ी है, और फिर लड़की को पढ़ाना लिखाना तो बहुत अच्छी बात है। माँ, हम विजय भाई साहब से बात करें? ना, उकरा से बात करे की कोनो जरूरत नहीं की। ना जाने का बोले हो का समझे। चुप रहने से क्या होगा माँ, जो सच बात है वो तो बोलनी पड़ेगी, चाहे विजय भाई साहब को अच्छी लगे या बुरी, हम किसी के डर से मुंह पे ताला नहीं लगाएंगे। मुंह पे ताला लगाबे के बाद देखे दुल्हन, हम नहीं चाहत कि कोनो बात के बतंगड़ बनो। तू एक काम करा, अगला महीना के 7 तारीख के स्कूल के वार्षिक समारोह बा, वो स्कूल के प्रिंसिपल के फोन आयल रहे हमरा ले। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर जाना चाहिए। अरे अब हमरा से कहाँ हुई ये सब, तू तो देखते बारू कि हमारी तबीयत के का हाल बा। हम प्रिंसिपल साहब से बोल देता नहीं कि हमार दुल्हीन जाई वार्षिक समारोह में। हाँ? मैं माँ? हाँ मैं। काहे एमी, कौन बात बा, तू पढ़ल लिखल बाड़ू, हम बाबा के बुला के कह देता नहीं कि आज से स्कूल के काम धाम तू ही करबू। अरे घर में बैठल बाड़ू, बाहर निकलबू, काम धाम करबू, तो मनो तो लागल रही। ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझे। खुश? एक बात जान लो कि महाराजगंज में कोई ये समझ लेगा कि पूरा पावर उसके हाथ में है तो वो एक नंबर का गधा है, गधा। अरे क्या हो गया तुमको, आज तो एकदम ही जो सुनाइएगा। अरे सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कहे थे ना कि यहाँ कभी भी किसी का एक छत्तर राज नहीं रहने वाला, यहाँ का माटी ऐसा है। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे बब्बन लाल शमशान से उठ के वापस आ गया। ऐसा ही समझ लो, वो आदमी नहीं जिंदा भूते है एकदम। ये आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रज्जन लाल का। कौन रज्जन लाल? वो बब्बन लाल का छोटका भाई। हाँ, बब्बन लाल का भाई, वो यहाँ आ रहा है।
बब्बन लाल का कुर्सी संभाल ले महाराजगंज। अरे तुमको कौन बोला बीबीसी? अरे बंसी आया था भोरे पान खाने, वही बताया कि मालकिन गई थी गांव रज्जन लाल को लाने। मर दे, वो नहीं आएगा साला। अरे दोनों भाई में एकदम 36 का आंकड़ा था, 36 का। अरे पूछो कहो, खून का रिश्ता है बेटा। हाँ। 36 का आंकड़ा कब 63 में बदल जाएगा कोई नहीं बता सकता है। मर्डर हुआ है भाई का, ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा रज्जन लाल? अरे वो अगर महाराजगंज में आ गया ना तो महाराजगंज को एक नया आतंक का सामना करना पड़ेगा। अरे आदमी के भेष में वो राक्षस है, राक्षस। अरे राक्षस कहो या कुछ, पर अब विजय कांत का खैर नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा विजय कांत का। अरे जब बब्बन लाल को घुलटे तो देर नहीं लगा, तू गवार वो पहलवान किस खेत की मूली है जी, क्या है वो? ऐसा मत कहो बउआ, दिमाग का बहुत तेज है वो रजन लाल। दिन दहाड़े कोर्ट में घुस के मर्डर कर दिया, पुलिस घंटा आज तक एक गवाह नहीं खड़ा कर पाया। ऐसा ऐसा तो कितना केस पेंडिंग है उसके नाम से। आने तो दोस्त को, फिर देखना कैसा तांडव मचाता है महाराजगंज में। मेहमान, ये आपके चचिया ससुर हैं, इनके गोड़ लगी। खुश रहो। भैया के साथे दंगल देखेला कौन कौन गया था उस दिन? जी हम गए थे। तुम गए थे जी, और तू भी गया था, और तुम दोनों इधर आओ। जब भैया का मर्डर हुआ तब कहाँ था तुम लोग? कहाँ था तुम लोग? फ्रेंच फारसी बोल रहे हैं क्या कि नहीं बुझा रहा है? भैया के छाती पर गोली मार रहा था और तुम लोग नचनिया का पिछवाड़ा देख रहा था साला, हैं? पिछवाड़ा देख रहा था क्या है? पिछवाड़ा देख रहा था साला। अबे एक एक के पिछवाड़े में गोली डालेंगे साले। इधर आ तू, हाँ? तू क्या कर रहा था साले, हाँ? निकम्मा साला सर, तुम लोग का वजह से हमारे भाई का जान गया साला, रज्जन लाल के बड़का भाई का जान गया साला। गलती हो गया साला, हमारा भाई का जान चला गया साला, क्या कर रहा तू? जान मार देंगे साला, तुम जान मार देंगे साले, जान मार देंगे, हमारा भाई का जान चला गया साला, हैं? चला रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल, कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर यहाँ रहना है तो कान दोनों खोल के रखना पड़ेगा, दोनों, बुझाया? देह चोरा काम चोर को हम एक मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुझा? हाँ? जात निकम्मा सब। भौजी हमारे कोठरी क्या निभा? चला बता, बता नहीं आई चले। गनीमत समझो,
कि जूते का कीला आंख में नहीं चुभ गया, नहीं तो आई अस्पताल में होते अभी तक। चलो उठो, जाओ हाथ मुंह धो लो। हम किए होलो थोड़ी वाला। आ पुत्तन, उठो। पुत्तन जी, अपने फ्यूचर के बारे में अब सोचना शुरू कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? सुन और कह कहाँ पा रहे हैं हम? अब तो हम बस देखेंगे। मतलब? मतलब ही कि बाप आ गया तुम सबका, सबका बाप आ गया। सब बच के रहियो। बहुत बेइज्जती सहे हैं इस घर में। इस घर के दामाद का इज्जत नहीं है इस घर में। पर अब ये सब नहीं चलने वाला। ये जो रंजन लाल है ना, बैंड बजाता रहेगा आपका, बार बार लगातार। पोम 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 पोम। विजय, अखबार छोड़ो और हम जय खबर लाए से सुनो। क्या खबर लाए हैं काका? भौजाई अपने देवर को गांव से लेके आ गई है अपने सुहाग के मौत का बदला लेने वास्ते। बब्बन का छोटा भाई रंजन लाल महाराजगंज में आ गया है। मतलब बब्बन के घर में उधार के ताकत की जरूरत पड़ गई। दुलारी पहले सांप को पोसेगी, फिर उसको दूध पिलाएगी और फिर उसको बोलेगी कि जा शेषनाग बजकांत को डस के आ। नहीं विजय, ये हंसने का बात नहीं है। दुलारी का इरादा हमको बहुत खतरनाक लग रहा है। अभी वो घबराईल नागिन बन गई है, मौका मिलते ही डसेगी जरूर। खासकर तुमको बहुत होशियार रहने का जरूरत है। काका, लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ सिपाही हमेशा होशियार रहता है। बाकी हम भी बेफिक्र नहीं है। आप हमरा ओर से इत्मीनान रहिए। काका, बाकी एक और टेंशन है। आप बैठे ना। और कौन टेंशन? काका, वो जया एकदम पीछे पड़ गई है। बोली है कि एक महीना बाद शादी करना ही पड़ेगा। हम उसको बहुत समझाए काका, लेकिन तो इसमें टेंशन का कौन बात है? अरे तो खुशखबरी हुआ। नहीं काका, काका अभी हमारा मन स्थिर नहीं है। एक तो यहाँ का हाल, और उससे भी बड़ी बात यह कि बाबूजी के मौत को भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। नगर पालिका का इलेक्शन सर पे है। आप ही बताइए काका, ऐसे हाल में शादी ब्याह का बात अच्छा लगेगा का? बात तो ठीक है, इलेक्शन के चलते बब्बन पार्टी का लोग भी चुप तो बैठने वाला है नहीं। अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर भी करेगा। इलेक्शन किसी भी कीमत पर हमको जीतना है काका। महाराजगंज का पॉलिटिक्स अपने हाथ में ही रहना चाहिए। और एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए फिर धूमधाम से बारात लेके चलेगी।